हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पिरामिड। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पिरामिड दे रखा है और हमें बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक दे रखा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव। तो पहला ऑप्शन है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, दूसरा है वेनिसिंग पॉपुलेशन, तीसरा है स्टेबल पॉपुलेशन एंड लास्ट है यहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं सबसे पहले एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है देखा जाता है द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल, किसका, इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज, एज हो सकता है यहाँ पे, या एज ग्रुप हो सकता है, या क्या हो सकता है यहाँ पे, एज ग्रुप इज नोन एज एज डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या होता है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट होता है। अब एज पिरामिड की बात करें, यहाँ पे एज जो है पिरामिड की अगर हम बात करें तो ये जो है एक स्ट्रक्चर होता है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द प्लॉटिंग ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन। अब फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन जनरली देखा जाता है थ्री एज ग्रुप्स को। पहला होता है प्री जो है रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव एंड तीसरा हो जाता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि रिप्रोडक्टिव के बाद पोस्ट जो है रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पे जो शेप ऑफ पिरामिड होता है वो शो करता है ग्रोथ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन। अब ये जो है बेसिकली थ्री टाइप्स का हो सकता है। तो क्या क्या यहाँ पे इसके टाइप्स होते हैं, पहला जो है ये हो सकता है एक्सपांडिंग। एक्सपांडिंग में क्या होता है, एक्सपांडिंग में जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप के लोग होते हैं, प्री जो है रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो है यहाँ पे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं, यानी कि कम होते हैं अगर हम कंपैरिजन करें प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप से। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा जो होता है स्टेबल। स्टेबल में ये देखा जाता है कि जो प्री प्री जो है रिप्रोडक्टिव एंड साथ ही साथ कौन, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव होता है दोनों जो है यहाँ पे कह सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल होता है, यानी कि एक जैसा होता है। वाइल जो पोस्ट वाला होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, वो यहाँ पे लेस होता है। अब आते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला जो होता है वो होता है डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइनिंग में क्या होता है, जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले ग्रुप होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव यहाँ पे लेस होता है, क्या होता है, लेस होता है। वही अदर एज ग्रुप वाले यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट वाले क्या होते हैं, यहाँ पे मोर होते हैं। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो पहला जो दे रखा है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्री रिप्रोडक्टिव दे रखा है यहाँ पे, इस एज के ग्रुप के लोग क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ से ये जो है यहीं तक स्टार्ट हो रहा है 1 एंड 2। वही रिप्रोडक्टिव में देख सकते हैं
ये ज्यादा है, ये ज्यादा फैला हुआ है। वही पोस्ट रिप्रोडक्टिव में अगर हम बात करें तो अगेन ये जो है क्या है, ज्यादा है, 3 है इसके लिए और ये इतना तक फैला हुआ है। अब यहाँ पे हमने देखा डिक्लाइनिंग में कि सबसे कम कौन होता है, प्री रिप्रोडक्टिव और अदर, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले क्या होते हैं, ज्यादा, खासकर यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है ज्यादा है। तो ये जो है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का हो जाएगा एग्जाम्पल। पहला है एक्सपांडिंग, तो एक्सपांडिंग नहीं है, एक्सपांडिंग में देखा जाता है क्या कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा हैं, तो यहाँ पे ये कम है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है वैनिसिंग पॉपुलेशन, वैनिसिंग पॉपुलेशन में देखा जाता है कि पॉपुलेशन जो है क्या हो रही होती है, वहाँ पे डिक्लाइन हो रही होती है, तो ये जो है वैनिसिंग पॉपुलेशन का जो है एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद तीसरा है स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल नहीं है, स्टेबल में हमने देखा कि ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो ये भी गलत होगा। लास्ट है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, तो ये जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।